14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है एमपी पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट में, उसके दोस्तों मुझे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट हुए हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी ऐसी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ किया जा गया था? तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, नगर निगम का राजनीतिक प्रशासक कौन होता है? तो नगर निगम का जो राजनीतिक प्रशासक होता है वो होता है महापौर। अब चौथा प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी दतिया में, और ये स्थापित की गई थी 1907 में। और अगला प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से निकाला गया? तो ये निकाला गया था डिगबोई की खान असम से। अब अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये है जयदेव। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, आठवां प्रश्न, सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। और नौवां प्रश्न हो जाएगा, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था यामा। अब दसवां प्रश्न था, बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो ये थे झारखंड से। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब लागू हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल को। अब 12वां प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है आपका जबलपुर में, जबलपुर में नगर निगम स्थापित किया गया था सबसे पहले 1864 में। अब 13वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला जज कौन थी? तो मेरे ख्याल से तो आप लोग जानते होंगे, ये हो जाएगी अन्ना चांडी। अब 14वां प्रश्न पूछा गया था, पीवी सिंधु ने सितंबर 2017 में कौन सी चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती थी कोरिया ओपन। अब 15वां प्रश्न पूछा गया था, भारत के पहले डिप्टी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री कौन रही? तो ये रही हैं निर्मला सीतारमन। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार का नाम क्या है? तो ये है बंगाल गजट। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑपरेशन सिस्टम नहीं है? तो ये इसके जो ऑप्शन थे वो थे एंड्रॉयड, विंडो, एप्पल, आईओएस, गूगल क्रोम, ये सब। और इसका आंसर जो है आपका था गूगल क्रोम। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिवस से एक न एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है हर एक शिफ्ट में, अभी भी जितने भी पेपर हुए हैं एमपी पटवारी के, सब में एक एक प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, जो मेन मेन है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, उनको याद कर लीजिए ताकि आपका एक नंबर पक्का हो जाए। अब पूछा गया था, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा ऑपरेशन सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एमएस एक्सेल में सेल कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? तो कॉपी करने के लिए होता है एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस सी का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इनमें से भिन्न बताओ, इनमें से जो भिन्न हो वो बताइए। कुछ इस प्रकार से अपन से, समांतर, चतुर्भुज, आयत, विषम कोण या फिर त्रिकोण। तो जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो था त्रिकोण। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है? तो कंप्यूटर के लिए जरूरी है सीपीयू और मेमोरी। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पति पत्नी और बच्चे की आयु से संबंधित, मतलब जो आपके है गणित से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे जो मुझे कलेक्ट हुए हैं। और दोस्तों मेरे ख्याल से मैं अब ये प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैथ के जो प्रश्न रहेंगे वो आपको अलग से अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी ऐसी रेगुलर अपडेट पाते रहें और एमपी पटवारी के एग्ज़ाम का एनालिसिस सबसे पहले पाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।